कैसे कमाएंगे, इसके पैसे लूटे। देखें आप, देखें, सुने, हम तो आपकी पार्टी खत्म होने जा रही है। नवाज शरीफ को क्यों उठाया जा रहा है भाई? नवाज शरीफ को क्यों उठाया गया पता है आपको? इसलिए नहीं, नवाज शरीफ आपका नहीं, नवाज पार्टी की जो है वो बैन होने जा रही है। करप्शन का कोई इल्जाम नवाज शरीफ पे नहीं है। आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए। फख्र आपकी तो पार्टी ही खराब हो गई। जो 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 इसका लीडर और इसका प्रधान चुनाव पार्टी बनी है वही निकाल दिया गया है। दिल से पूछ के बताओ, ये इल्जाम आपको मंजूर है? ये मुझे पूरे हाथ करने की कोशिश कर रहा है। चलो फारक साहबो, यहाँ से अपने घर जाओ। इसकी गर्दन बहुत मोटी हो गई है, इसके बेटों की गर्दन भी बहुत मोटी हो गई है। नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह ली, रोज सूरत बनाकर आवाज कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। पांच बंदे सारे कोर्ट वाले लोग हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और ये आपसे ज्यादा बेहतर भी है। ये है औकात, इनको जेल में डालना चाहिए। ये सिक्का शाही आपको मंजूर है? ये पंजाब में जब से कर रहा है, पंजाब के लोगों को उठा है और आपने भी खाली हाथ से लड़वाने की साजिश कर रहा है। ये जंग मेरे कंधे से कंधा मिला के लड़ोगे? ये मुल्क में आतंक ही क्रिएट कर रहा है। ओ भाई, ये भी कोई इल्जाम है? आपके पंजाब के खाते को पंजाब के खाते से लड़वाने की साजिश कर रहा है। आपको मालूम है ना कि नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो फिर पूरा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने साथियों करप्शन के दिखा के लिए मैं फिर कहूंगा, आप मेरा साथ आवाज से आवाज बजाइए। उसकी बेटी खुसूरी को आवाज में कहा करती है। अभी मरियम ने भी आपके सामने ये बात कही। तो आज बाकी क्या होती सफल के बाद? आज मेरा गला खराब है, पंजाब में इसका वोट बैंक खराब हो गया। आपको देखकर, आपके जज्बे को देखकर, आपके जोश और खरोश को देखकर मेरा गला ठीक हो गया है। ये पंजाब से मैं आपको चुका। 2018 में आपने क्या करना है बोलो? अपने काम के लिए आपने आज तक क्या किया? आपने एक इंकलाब लाना है। इंकलाब बोलो, लाओ इंकलाब। 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, उसका सारा नवाज शरीफ पे निकाला जा रहा है। मैं तो उसकी जज्बे से कहती हूँ कि जो आपको बैठा दे रहा है शख्स, आप वोट डालते हैं कितने शौक के साथ और वो कहते हैं ले जाओ वोट अपना। गरीब थोड़ा गालियां नहीं दे रहा, जो अमीर थोड़ा है वो आपको गालियां दे रहा है। हमने इस निजाम को खत्म करना है जिसने आपको तबाह करके रख दिया है। मैं समझती हूँ कि मैं अब यह किताब खड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरा गला खराब होने के बावजूद आपकी मोहब्बत में मैं इतना बोल गया हूँ। मैं इन सारे वोटों के साथ खड़ी हूँ। पाकिस्तान कौन अपने जजों और अपने वो खराब खड़ी है। अल्लाह हम दोनों के साथ।